हेलो एंड वेलकम टू अनकंडीशनल पॉइंट। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, मैं हूं नेम खान, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अनकंडीशनल पॉइंट। गाइस क्या आप 0% इंटरेस्ट पर लेना चाहते हैं पूरे 3,000 रुपए का लोन केवल और केवल पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल देने के बाद? जी हाँ गाइस, पैन कार्ड आधार कार्ड पर आपको यहाँ पर पूरे 3,000 रुपए का लोन मिलने वाला है। 0% इंटरेस्ट पर आप इस लोन अमाउंट को यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको लिमिट मिलती है, सेम उसी तरीके से आपको इस कंपनी के अंदर लिमिट मिलती है। जो लिमिट आपको मिलती है उस लिमिट को आप यूज कर सकते हैं UPI QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करने के लिए। और गाइस जो आप पेमेंट करते हैं, जो लोन अमाउंट आप यूज करते हैं, उस लोन अमाउंट पर 1 रुपये का ब्याज नहीं देना होता है। पूरे 1 महीने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं बिना ब्याज के। अगर आपको खरीदना है अपने घर का जरूरी सामान, जैसे ग्रोसरी हो गया, आपको शॉपिंग करनी है, आपके पास पैसे नहीं है, तो ये कंपनी आपके लिए काम आने वाली है। तो गाइस अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी कंपनी वीडियो की, बिल्कुल मत करना, हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखा दे रहा है उसको प्रेस करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस देखते हैं कौन सी कंपनी जो आपको देती है पूरे 3,000 रुपए का लोन 0% इंटरेस्ट पर। चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आप अपने घर का जरूरी सामान खरीदना चाहते हैं, जैसे ग्रोसरी हो गया, या फिर आप शॉपिंग करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, वैसे भी इस COVID-19 की वजह से तकरीबन सभी लोगों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ऐसे मेरे भाई जिनके कारोबार खत्म हो चुके हैं, बहुत ऐसे मेरे भाई जिनके पास पैसे नहीं है। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि भाई हमें बता दीजिए कोई ऐसी कंपनी जहाँ पर हमें एक ऐसा लोन मिल जाए जिस पर हमें ब्याज ना देना पड़े। तो गाइज ये कंपनी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करना है, प्ले स्टोर में जाना है। एप्लीकेशन आपके सामने है जिसका नाम है FiroPay। ये अब बदल चुकी है कंपनी, पहले इसका नाम चिलपे था। जी हाँ गाइस, चिलपे के ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई है। ये कंपनी आपको देती थी इंस्टेंटली लोन लिमिट पूरे 3,000 रुपए तक की, जिसको आप यूज कर सकते थे ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग करने के लिए, या फिर आप UPI QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस अभी ये कंपनी बदल चुकी है, इसका नाम है FiroPay। पोस्टपेड UPI ऐप है, बड़ी जबरदस्त वाली फाइनेंस कंपनी है, 4.0 रेटिंग है, 100K+ डाउनलोड की जा चुकी वाली एप्लीकेशन। अगर हम बात करें डिटेल में कंपनी की, तो गाइस कंपनी यहां पर ऊपर साफ साफ बोलती है कि भाई आपको हम जो भी लिमिट देते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, UPI QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करने के लिए। इंस्टेंट क्रेडिट लिमिट आपको यहां पर मिलती है, 3,000 रुपए तक की लिमिट आपको यहां पर मिल सकती है। लोन लेने के लिए आपको केवल यहां पर साइन अप करना होगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होगी, आपका पैन कार्ड का डिटेल यहां पर देनी होगी, इंस्टेंटली आपको यहां पर लोन के लिए लिमिट मिलेगी। उस लोन को आप कैसे अनलॉक कर सकते हैं वो मैं आपको लास्ट बताऊंगा, वीडियो की बिल्कुल मत करना। अगर आपने वीडियो लास्ट तक नहीं देखी फिर आपको समझ नहीं आ पाएगा किस तरीके से आप अपने लोन अमाउंट को अनलॉक करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना, ठीक है। तो FiroPay फॉर बाइंग ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हैं आप UPI QR कोड को स्कैन करके। कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है, इंस्टेंट लोन के लिए लिमिट मिलेगी, जो लिमिट मिले आप उसको यूज कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग करने के लिए। तो गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद गाइज आपने इसको ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद गाइज एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। गाइज चलिए गेट स्टार्टेड पर आपने क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको इसके अंदर जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा अपने मोबाइल नंबर से। आपको यहां पर आपका मोबाइल नंबर डालना होगा और आपने जो है इसको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी जो ऑटोमेटिकली यहां पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद गाइस आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिसके अंदर आपको यहां पर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई आपने कर लिया है पहले ही, ठीक है, और जो है उसके बाद आपको अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम यहाँ पर डालना होगा, अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। कुल मिला के बात यह है गाइज आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी सही से फिल करनी, अपनी प्रोफाइल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। जैसे आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, सबमिट करेंगे, सबमिट करने के तकरीबन 30 से 40 सेकंड के अंदर आपकी प्रोफाइल ये जो है सर्च करता है, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर आपको यहाँ पर लोन के लिए ऑफर करता है। गाइस अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मुझे यहाँ पर बोला भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको हम यहाँ पर 500 रुपये की लिमिट दे रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बोला था स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर 3,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है, तो गाइस आपको 500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये के बीच कितनी भी लोन लिमिट आपको यहाँ पर मिल सकती है। 80% ये 500 रुपये की लिमिट दे रही है, आपको 1,000 की मिल सकती है, 3,000 की मिल सकती है। आपको कितनी लोन लिमिट यहां पर मिली कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। आपको क्या करना है गाइस, देखिए जब आपको यहां पर लिमिट मिल जाएगी, देखिए मुझे यहां पर लिमिट मिल चुकी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और यहां पर लिखा आ रहा है अभी नीचे कि भाई आप जो है अपनी जो QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, इसको अभी आपने अनलॉक करना है। ये लॉक है, जी हाँ गाइस अभी ये लॉक है। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि भाई ये वीडियो आप लास्ट तक देख लें, तभी आप जो है अनलॉक करके पेमेंट कर पाएंगे यहाँ तक, नहीं तो नहीं कर पाएंगे।
तो गाइज अभी क्या बोल रहे हैं कि भाई जैसे कि मैं आपको बोला था स्टार्टिंग में कि आपको पैन कार्ड की डिटेल देने के बाद ये लोन दे देते हैं, तो आपने देखा पीछे अभी केवल पर्सनल इन्फॉर्मेशन पैन कार्ड की डिटेल मैंने यहाँ पर दी और मुझे यहाँ पर लोन ऑफर इन्होंने कर दिया और बोल दिया भाई 500 रुपये आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इस लोन अमाउंट को यूज करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्स और मांग रहे हैं मुझसे और वो है आधार कार्ड। जी हाँ गाइस, आधार कार्ड मुझे यहाँ पर अभी देना होगा तब जाकर मेरी जो क्यूआर कोड है ये अभी अनलॉक होगा। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर अपनी वीपीआई आईडी जनरेट करनी होगी। उसके लिए मुझे अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो इसी मोबाइल फोन के अंदर होना चाहिए मेरा, तभी यूपीआई आईडी मेरी क्रिएट हो पाएगी। ठीक है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है मेरा यहाँ पर, तो चलिए उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले आपका डिवाइस वेरीफाई होगा, उसके बाद जो है आपकी यूपीआई आईडी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। यूपीआई आईडी जनरेट होने के बाद कुछ ऐसी दिखाई देगी जैसे अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो चलिए अब हम अनलॉक करते हैं अपने जो स्कैन एंड पे का जो मेरा टैब है उसको अनलॉक करते हैं। अनलॉक करने के लिए आपको ऊपर जहां पर एरो पर क्लिक करना होगा, आधार कार्ड का डिटेल आपको यहां पर देनी होगी और नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको यहां पर जो है आधार कार्ड की फ्रंट एंड बैक फोटो अपलोड करनी होगी। आप देख सकते हैं गाइस, मैंने यहां पर आधार कार्ड की फ्रंट एंड बैक फोटो अपलोड कर दी है और यहां पर तकरीबन 30 से 40 सेकंड या फिर 1 मिनट तक का टाइम लग सकता है आपकी आधार कार्ड अपलोड होने में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर आधार कार्ड की फ्रंट एंड बैक फोटो अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं गाइस स्क्रीन पर, और यहाँ पर ये बोल रहे कि भाई आपकी अनलॉक हो चुकी है स्कैन एंड पे का टैब, अब जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं मेरा अनलॉक हो चुका है, ग्रीन कलर हो चुका है यहाँ पर। अब मैं आपको यहाँ पर पेमेंट करके दिखाता हूँ लाइव प्रूफ के साथ, देखते हैं पेमेंट होता है या नहीं होता है। पेमेंट करने के लिए गाइज आपको स्कैन एंड पे पर क्लिक करना होगा, उसके बाद गाइज मेरे पास जो है मेरा एक क्यूआर कोड है, मैंने यहाँ पर QR कोड स्कैन कर दिया और वो स्कैन हो भी गया। उसके बाद यहाँ पर मुझे बोल ली कि भाई आप यहाँ पर लोन अमाउंट एंटर कर दीजिए, कितना लोन अमाउंट आपको यहाँ पर चाहिए। हम पूरा का पूरा ही कर देते हैं 500 का 500, ओके करते हैं और देखते हैं कितनी कारगर है ये एप्लीकेशन, क्या वाकई में ये कंपनी लोन देती है या नहीं देती है। लाइव प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, तो चलिए प्रोसीड एंड पे पर क्लिक कर दूँ। यार लाइक तो कर दो इस वीडियो को, लाइक प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और भाई अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर इस तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए प्रोसीड एंड पे पर क्लिक करते हैं। अब मुझे यहाँ पर अपना पिन कोड डालना होगा, पिन कोड मैंने डाल दिया और देखते हैं हमारा पेमेंट होता है या नहीं होता है, लोडिंग हो रही है। और गाइज देख सकते यार स्क्रीन पर सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है। गाइज आप देख लीजिए स्क्रीन पर मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है 500 रुपये का, और गाइज मैंने ये पेमेंट करके आपको दिखाया है लाइव प्रूफ के साथ। ठीक है, और ये आपको मैं चलो डन करके दिखाता हूँ और आप वापस से स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटल बिल का यहाँ पर टैब आ चुका है। अगर हम सेटल बिल पे क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पर इस बिल का पेमेंट कर सकता हूँ, ठीक है, अपनी मर्जी से। लेकिन इसका जो बिल जनरेट होगा वो पहली तारीख का होगा। नीचे देख सकते हैं आप यहाँ पर जून की जो स्टेटमेंट है, ठीक है, और मेरे अकाउंट के अंदर पैसे आ भी चुके हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये 500 रुपये मेरे अकाउंट के अंदर आ भी चुके हैं, क्योंकि मैंने अपना ही मर्चेंट्स अकाउंट यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो बिल है वो जनरेट होगा 1 जुलाई को, यानी 1 जुलाई को मेरा यहाँ पर जो है बिल जनरेट होगा। पूरे 1 महीने के लिए इसको टेंशन फ्री में यूज़ कर सकता हूँ, कोई मुझे ब्याज नहीं देना है भाई। ठीक है, तो टेंशन फ्री होकर आप यूज़ कीजिए। आपको यहाँ पर अगर लिमिट मिलती है गाइज, उस लिमिट को आप यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग करने के लिए। 0% इंटरेस्ट पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। इसका पेमेंट कैसे करते हैं मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊँगा कैसे इसका पेमेंट करते हैं, तो उसका वेट कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइज मिलते हैं कल एक वीडियो के साथ। आगे देख लिया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।